તો આજે આપણે કરના હે એજ્યુકેશન ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ અપ્રોચીસ એન્ડ સ્ટ્રેટેજીઝ વી કરી કરી આ અપ્રોચીસ ને તો સ્ટ્રેટેજીઝ ને જેના દે દ્વારા અસી બચ્ચિયા નું એજ્યુકેશન દે સકદે હે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ દે બારે ઠીક હે સૌ તો પહેલા આપણે થોડી જી ઇન્ટ્રોડક્શન દે દો ચાર લાઈનો દે વિચ કરાંગે કે એજ્યુકેશન ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ રિક્વાયર્સ અ શિફ્ટ ટુવર્ડ્સ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટિવ એન્ડ એક્સપીરિયન્શિયલ લર્નિંગ મેથડ્સ that engage the learner and make a real difference to their understanding thinking and ability to act ta isde vich kya ho raha hai ki education for sustainable development de layi kya zaruri hai ek shift karna zaruri hai kade wal towards active participative and experiential learning jis de vich jehda bachcha hai oh active hove participate kare aur experiential learning kare bachcha khud experience karke oh cheezan nu dekhe eh je method jehde hai apan ne teaching de ya education de use karne hai jis de vich that engage the learner and make a real difference to their understanding jis de vich kya hoega oh jehde methods hai oh bacche nu इंगेज करेंगे और उस दे नाल डिफरेंस आएगा किस चीज़ दे विच डिफरेंस आएगा जो बच्चे नू अपन ने पार्टिसिपेटिव लर्निंग कराती एक्टिव बच्चा हैगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे दी हो रही है तो फिर बच्चे दी अंडरस्टैंडिंग दे विच आप गल कर रहे थे कि जो आपने बच्चे नू पार्टिसिपेटिव लर्निंग कराई है एक्टिव लर्निंग कराई है एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई है उस दे नाल जिहड़ा बच्चा है उस दे विच डिफरेंस आता है किस चीज़ दे विच डिफरेंस आता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग दे विच डिफरेंस आता है बच्चा कि बच्चा हुण इन्हां तरीकों दे नाल ज़्यादा वधिया समझदा है बच्चे की थिंकिंग दे विच फर्क आता है बच्चा हुण ज़्यादा वधिया सोचता है ठीक है ज़्यादा ब्रॉडर आउटलुक उसकी हो जाती है एंड एबिलिटी टू एक्ट फिर इन्हां दे बेस ते जिहड़ा बच्चा है वह एक्ट भी कर सकता है जो उसने सीखा है क्लासरूम दे विच ठीक है बच्चे एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के जो अपने अप्रोचिज और स्ट्रैटेजिज की गल करनी है तो वह अप्रोचिज और स्ट्रैटेजिज का मेन मकसद यह है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लैवल थिंकिंग और एबिलिटी के फर्क लैके आना है नॉर्मल जी क्लासरूम टीचिंग होंगी उस वक्त तो हम आप गल करा अप्रोचिज टू ESD या एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सिंपल जी है आप डिस्कस करा नंबर वन है पीपल सेंटर्ड ठीक है पीपल सेंटर हाँ बच्चे एक एक जना इन एक्सप्लेन करता रहे आप देख लेने कौन कौन आ गया सब तो पहला है बच्चे अरविंदर कौर पीपल सेंटर्ड अप्रोच केड़ी होएगी सर पीपल सेंटर्ड अप्रोच होई है जी स्टूडेंट दे रिलेटेड हुंदी है स्टूडेंट्स दी नीड्स नु देखा जांदा है हाँ स्टूडेंट्स ठीक है गुड स्टूडेंट दी लर्निंग नो देखा जांदा है ओदी अंडरस्टैंडिंग नो देखा जांदा है वेरी गुड और शाबाश और कोई बच्चा भी ऐड कर सकदा कोई इदे च अगर ऐड करना है तो पीपल सेंटर दे विच कोई सर जिवें आपां गल कीती है कि शिफ्ट टुवर्ड्स एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव हाँ बच्चे ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਠੀਕ ਹੈ बच्चे दी पेस बच्चा किस स्पीड ते सीखना सीख सकता है या सीखना चाहता है क्योंकि कई बच्चे होंगे ने तुसी देखा होना है जो आप उन्होंने कोई चीज़ समझाने तो पहली बार से समझ जाने और कई बच्चे इस तरह के होंगे ने जिन्हों चार बार जब तक वो उस चीज़ को नहीं पढ़ते उदों तक उन्होंने वो चीज़ समझ नहीं आती ठीक है ना तो बच्चे ध्यान दे विच रखते हुए उसका इंटरस्ट उसकी पेस उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्वालिटीज कैपेबिलिटीज एबिलिटीज इन सारे ध्यान च रखते हुए अपने बच्चे नू पढ़ाना क्लियर है बच्चे फर्स्ट पॉइंट हाँ जी सर दूसरा है क्रिटिकल रिफ्लैक्शंस हुण ये कौन कराएगा ये बच्चे चरणप्रीत क्रिटिकल रिफ्लैक्शंस हाँ जी सर सर क्रिटिकल
क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बेसिकली मतलब रीजनिंग है, रीजनिंग इन्वॉल्व होती है इधर विच, मतलब क्यों हो रहा। मतलब अपने व्यू पॉइंट्स देने। ठीक है, हर एक चीज नू क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, हाँ शाबाश। कोई और बच्चा इनू ऐड करो, बच्चे कोई पॉइंट को करना चाहता है तो। सर टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करना अपनी लर्निंग को। ठीक है, लर्निंग नू मॉडिफाई करना है, वेरी गुड। जड़ी आपां ने एक रिफ्लेक्टिव लेवल करिया सी ना कि जो तो बच्चा सीख जाता है तो फिर वह जो उन्हें सीखा है उस बिहेवियर से रिफ्लैक्ट करना चाहता है, होना चाहिए। ठीक है ना, दैट इज क्रिटिकल रिफ्लैक्शन कि बच्चा जो कुछ भी सीखे वह उसके बिहेवियर के रिफ्लैक्ट होना चाहिए है, और बच्चा हर सिचुएशन क्रिटिकली एनालाइज करे, पूरे ध्यान नाल उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करे, ता ही वह जिहड़ा बच्चा है वह वधिया तरीके दे नाल सीख सकेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर। हाँ, नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड एनालिसिस। ए बारी आ गई प्रियंका। सर सिस्टमैटिकली थिंक करना, जो हमारी जो पुरानी प्रॉब्लम्स है या उनको देख के टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना, और और उसमें नए मेथड्स अडॉप्ट करना अपनी मॉडिफाई लर्निंग में। ठीक है, कोई और बच्चा ऐड करे भाई इधर से। सर जरी बच्चे दी थिंकिंग है और उन्हें सिस्टमैटिक वे दे नाल एनालाइज करना और ये थिंकिंग नू देखना। ठीक है, ये तो टीचर दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल आ गया, ते हुन टीचर ने क्या करना है, टीचर ने बच्चे नू ये सिखाना है कि किस तरह सिस्टमैटिकली सोचना है, बरीक तो बरीक चीज़ नू सोचना है, और हर फैक्टर नू, हर वेरिएबल नू बड़े ध्यान दे नाल एनालाइज करना है। ठीक है, सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड एनालाइसिस। जदों तक बच्चा हर किसी चीज़ नू सिस्टमैटिकली नहीं सोचेगा, उसनू सिस्टमैटिकली एनालाइज नहीं करेगा, उदों तक जिहड़ी उसकी लर्निंग है वह कंप्लीट नहीं होंगी। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी लर्निंग। पार्टिसिपेटरी लर्निंग स्टूडेंट सर लर्निंग बच्चों की लर्निंग नो पार्टिसिपेट करवाना, मतलब कि जिमें सेमिनार्स वगैरह होंगे, स्लोगन्स राइटिंग, पोस्टर मेकिंग हो गया, कॉम्पीटिशन, उन्होंने पार्टिसिपेट बच्चों की करवानी ता जो उन्होंने लर्निंग जी बढ़ सके। हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो सके उन्होंने। हाँ हाँ गुड गुड। पार्टिसिपेटरी लर्निंग है कि बच्चा जिहड़ा है जो कुछ भी वो सीख रहा है वो उस दे विच पार्टिसिपेट करे, बच्चे नू लगना चाहिए कि जो वो काम सीख रहा है, जो वो काम कर रहा है वो उस दे नाल रिलेटेड है, वो उसका एक हिस्सा है, पार्ट है, और जो तो बच्चा इस तरह करेगा बच्चा ता ही वधिया तरीके दे नाल सीख सकेगा। ठीक है, जिमें हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग दे विच आएगा, जिमें पीयर लर्निंग है, पीयर लर्निंग आपस दे विच ही बच्चे जो सीखते हैं, है ना, डिवेलपिंग डायलॉग है। डायलॉग तो मैं लास्ट टाइम दस्या सीगा कि कॉमन एक प्लेस या सेंसस अपने बनाना है किसी चीज़ नू लैके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे विच बच्चा जिहड़ा है वह चीज़ नू एक्सपीरियंस करता है चीज़ों नू। एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च किसी इमीजिएट प्रॉब्लम नू लैके हुंदी है, इमीजिएट हल लभना हुंदा जदों आपां किसी चीज़ का। ठीक है, इन्हां सारयां नू लैके जदों आपां कोई केस स्टडी है बच्चा उहदे च पार्टीसीपेट करता है। ठीक है, ये सारियां पार्टीसीपेटरी लर्निंग्स ने जिहदे विच बच्चा पार्टीसीपेट करेगा और आपां बच्चे नू सेंसिटाइज कर सकते हैं रिगार्डिंग सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है थिंकिंग क्रिएटिवली फॉर फ्यूचर सिनेरियो। चरणप्रीत बच्चे। सर एदा हैगा कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जिहड़े परस्पेक्टिव्स तो सोचना कि असीं फ्यूचर दे जिहड़ी फ्यूचर जनरेशन आ उहनां दीआं जिहड़ीआं नीड्स ने उहनां नूं किद्दां मीट कर सकदे आ। ठीक है, हां जी, ते उहदा मतलब
एनवायरनमेंट नु किद्दा मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो थिंकिंग क्रिएटिवली कि हर प्रॉब्लम नु आपां ने क्रिएटिवली सोचना है, उस प्रॉब्लम दा हल अलग अलग तरीकों के नाल कट के देखने की कोशिश करनी है कि एक प्रॉब्लम का क्या क्या हल हो सकता है। ठीक है, सेम वही पुराना हल तो अपने जोर नहीं देना, कोई नवे हल लभन की अपने कोशिश करनी है। और फ्यूचर सिनेरियो, फ्यूचर दे विच कोई चीज़ किस तरह हो सकती है, आने वाले टाइम दे विच किस तरह होएगा, वो सारे फ्यूचर नूं ध्यान दे विच रखते हुए अपने बच्चे नूं सिखाना है, बच्चे नूं दसना है। हुण सस्टेनेबल डिवेलपमेंट है, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के जिहड़े गोल्स हुंदे ने वो शॉर्ट टर्म नहीं हुंदे, वो लोंग टर्म हुंदे ने। ठीक है ना, जो तो लोंग टर्म जिहड़े गोल्स हैं वह ध्यान च रखते हुए अपने बच्चे नूं दसना है कि फ्यूचर दे विच आने वाले समय दे विच, जिवें हुण आपां नॉर्मली कहने हैं कि बहुत जल्दी आने वाले समय दे विच पानी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पानी है, कोला है, ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां साडियां है वो खत्म हो रही ने, तो बच्चे नूं फ्यूचर सिनेरियोज़ नूं ध्यान दे विच रखते हुए अपने पढ़ाना है। और बच्चे नूं ये भी प्रैक्टिस करानी है कि किस तरह वह किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो हल है वह अलग अलग तरीके दे नाल कट सकता है। ओके, नैक्सट है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अपने कोल संध्या ने ज्वाइन किया है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, कोई गल नहीं। हाँ बच्चे, संध्या आप कर रहे थे अप्रोचेस टू एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लो जी बनीता भी आ गई है ना, ये आप कर रहे थे। तो ये संध्या बच्चे दो जवाब माड़ा जहा, कोलैबोरेटिव लर्निंग की होंगी है जिन्ना भी पता है, बाकी आप डिस्कस कर लाँगे सारे। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग का बच्चे दसो जिन्ना भी आंदा है, जो भी आंदा है सही गलत शब्द दे मीनिंग तो अगर कोई दा मीनिंग निकल है तो दसो क्या होंगी है कोलैबोरेटिव लर्निंग। सर याद करना या याद करवाना, वो तो लर्निंग हो गया ना सीखना। कोलैबोरेटिव क्या होंदा है, कोलैबोरेट करना किसी दे नाल मिलके सीखना, सीखना मिलके सीखना। ठीक है, चलो कोई होर बच्चा इहदे ते चानना पावे। वनीता, लर्निंग थ्रू कोलैबोरेशन वायर टीचर वर्सेस स्टूडेंट आल्सो, और स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट आल्सो, और स्टूडेंट वर्सेस प्रोजेक्ट असाइनमेंट टाइप। ठीक है, देखो एक ता है जिवें बच्चे ने दस्या स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड टीचर, और एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी हो सकती है ना, इंटरडिसिप्लिनरी, और गेस्ट लेक्चर भी बुलाया जा सकता है, गेस्ट स्पीकर बुलाया जा सकता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग दे विच मल्टीडिसिप्लिनरी वर्किंग हो सकती है, अलग अलग फील्ड्स दे विच तुसीं काम कर सकते हो, को लर्निंग हो सकती है, पीयर एंड पीयर जिहड़े हैं आपस मिलके लर्न कर सकते हैं, वर्क बेस्ड लर्निंग हो सकती है जिहदे विच बच्चे इकट्ठे मिलके काम करते हैं कोई और फिर वह सीखते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आया पॉइंट कोलैबोरेटिव लर्निंग दा? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। वनीता, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सर लर्निंग इस टाइप की होनी चाहिए, मतलब क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें, अगर कोई भी टॉपिक कोई भी चीज अगर पढ़ाई जा रही है तो उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे की। तो जो भी अगर मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराना चाहता है बच्चों को, सबसे पहले उसे आप भी क्लियर होना चाहिए वो चीज। ठीक है, और हाँ शाबाश, कोई और बच्चा बच्चे ऐड करेगा दे विच कुछ अगर करना चाहता था कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच दे विच। देखो कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच दे विच आपां ने दो चार गल्लां करनी है, मैं कीवर्ड्स दसदा हां कॉम्प्रीहेंसिव दे विच, आपां इत्थे लिखण दी कोशिश करदे हां। पहली गल इहदे च आएगी कि कॉम्प्रीहेंसिव है तां ऑल स्टूडेंट्स कवर करने हैं। दूसरी गल ऑल की कंसेप्ट्स कवर करने हैं इहदे च,
ऑल स्टूडेंट्स कवर करने हैं, ऑल की कंसेप्ट्स कवर करने हैं, और इस तो इलावा ऑल इंडिविजुअल्स नू भी कवर करने की कोशिश करनी है थ्रू नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच दे विच देखो क्या क्या करिया, सारे बच्चों नू कवर करना है, सारे की पॉइंट्स या कंसेप्ट्स जड़े हैं उस टॉपिक दे अंदर, उस लर्निंग दे अंदर, वो सारे नू कवर करना है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे लिए एजुकेशन देनी है ता सिर्फ बच्चों नू एजुकेशन दे के गल नहीं बनेगी, जड़े एडल्ट्स ने ठीक है उन्होंने भी सानू पढ़ाना पड़ेगा, दसना पड़ेगा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट क्या है, और उस दे लिए सानू नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल हर एक तरह की जी एजुकेशन सिस्टम है उसका सहारा आपू लेना पड़ेगा। बच्चे दसो ये पॉइंट क्लियर है कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच वाला? हाँ जी सर क्लियर। सर रिपीट करना। संध्या कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच, कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच बच्चे ये कहती है कि जो अपने एजुकेशन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के लिए पढ़ाना है तो उदो कि चीज़ों ध्यान रखना है, सारे बच्चों ध्यान रखना है, सारे बच्चों पढ़ाना है, सारे जिन्हें भी की कंसैप्ट हैं उन्होंने सारिया चीज़ों पढ़ाना है ठीक है, सारिया चीज़ों के बारे अवेयर करना है बच्चे को, और सिर्फ बच्चों पढ़ा के गल नहीं बननी, इस जे बड़े लोग ने है ना एडल्ट्स ने उन्होंने भी अलग अलग जो एजुकेशन सिस्टम है अपने उन्होंने थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, जिमें नॉन फॉर्मल है एंड इनफॉर्मल है। फॉर्मल तो स्टूडेंट्स आ गए इस करके इतने फॉर्मल नहीं लिखा गया है ना, फॉर्मल एजुकेशन के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आप इतने इसी करके नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल की गल करी है कि जेडे एडल्ट ने उन्होंने भी इन एजुकेशन सिस्टम जो है इन्होंने थ्रू अपन पढ़ाना चाहिए है जो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ठीक है। बच्चे लगया पता? हाँ जी सर। एक कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिस दे विच सारिया नू ही इनवॉल्व करके अपने चलना है, सारिया नू ही पढ़ाना है, कोई सैक्शन अपना छड़ नहीं सकते इस दे विच। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, कॉन्टीन्यूअस मॉनिटर करना है एंड इवेलुएट करना है। वनीता समझाओ बच्चे इसको क्या है ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन? तो जो भी अपना मतलब टॉपिक या बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे उसे क्या करने उसे क्या कहते हैं हम मॉनिटरिंग करनी है उसकी, प्लस जो हम क्या कहते हैं पढ़ा रहे हैं उसको और सामने वाले मतलब बच्चों को कितना समझ आया है उसके मतलब उनसे क्वेश्चन वगैरह पुट करके फीडबैक लेके उसके आधार पर हम उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जो भी कंसेप्ट टीचर ने पढ़ाया उसकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, उसको कॉन्टीन्यूसली देखना है कि जो मैं पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। और इफेक्टिव लर्निंग दे लई टीचर जड़ा है वो इवेलुएट भी करेगा बच्चे दी लर्निंग नू अलग अलग तरीके दे नाल। इवेलुएशन हो सकती है, आप बच्चे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चे तो टेस्ट लिया जा सकता है ठीक है ना, बच्चे दी परफॉर्मेंस उसके बिहेवियर नू देखा जा सकता है कि क्या जो आप करा रहे हैं बच्चे नू समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, अगर समझ आएगा ता फिर बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लैवल है वह वध हुंदा है, बच्चा पार्टिसिपेट करता है क्लासरूम दे विच गलबात करता है। नेक्स्ट है आप ऊपर भी कर लिया पॉइंट इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच एक कड़ी अप्रोच हुंदी है जी। वारी आ गई नवजोत है नहीं गी, चलो अरविंदर। हाँ जी सर। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ओ अप्रोच तो नहीं जेरी इंटररिलेटेड अप्रोच?
हाँ वही है इंटरडिसिप्लिनरी। बिल्कुल जिमें एक सब्जेक्ट है ओदा दूसरे सब्जेक्ट दे नाल इंटररिलेट कोई लेट करना। हाँ बिल्कुल यही है जी, क्योंकि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अपने पढ़ानी है तो वह सारे ही सब्जेक्टा दे नाल रिलेटेड है, चाहे वह साइंस है, जियोग्राफी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, कॉमर्स है, ये सारी चीज़ों के न रिलेटेड है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट है। आप बच्चों सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के दसना है भी किस तरह जो सा इनवायरमेंट है खराब हो रहा है, वह साइंस का एक पार्ट आ गया। जियोग्राफिकल एरिया के बारे दसना है कितने गर्मी है कितने सर्दी है यदा की असर पै रहा है, ठीक है, उस चीज़ के बारे दसना है। हिस्ट्री है आने वाले टाइम के भी आप अगे भी दस सकते हैं पिछे जी हिस्टरी हुई है कि घटनावान हुई ने, ठीक है ना, वो सारिया चीज़ों के बारे आप दस सकते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के बारे पढ़ाना है तो वो जी अप्रोच है वह इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए है, वह सारे सब्जेक्टा मिला के हर एक फील्ड हर एक एरिया के क्या क्या असर पेगा वो सारा कुछ मिला के फिर ही बच्चे अपने समझाना है दसना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये केड़ी लर्निंग होंगी है जी? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, वेरी गुड। चलो प्रियंका आप ही बताओ फिर, दसो सर इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, बेसिकली ये जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल है, अपनी एग्जांपल को देख के लर्न करना होता है। हाँ बिल्कुल, और होर कोई बच्चा ऐड करो भी इधर अपने यहाँ दो पॉइंट ही रह गए बस इधर च ऐड कर दो होर कोई सर। लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ डिपेंड करती है ज्यादा। लाइफ एक्सपीरियंसेस जो अपनी प्रॉब्लम्स को जो प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है उसको देख के उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, गुड। क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिकल अप्रोच है ये सर, ये हाँ बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, इस दे विच सारा कुछ आएगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है सर, सिचुएशनल है क्योंकि हर सिचुएशन अलग अलग होंगी है, बच्चा उस सिचुएशन दे विच क्या एक्सपीरियंस करता है, और अगर वो सेम सिचुएशन है जो बच्चे ने पहला भी फेस करी है क्या बच्चा जो पहला उन्हें हल लभे से क्या वो सेम हल इस सिचुएशन का भी इस प्रॉब्लम का भी लभेगा, ठीक है ना। तो बच्चा जिहड़ा है वह हर सिचुएशन दे विच अलग अलग आइडियाज अलग अलग स्किल्स अलग अलग जिहड़ी नॉलेज अपनी है इनफॉर्मेशन है उसनों न्यू सिचुएशंस दे विच अप्लाई करता है, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा भी अपना सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के लिए पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ये दसेगा बच्चा चरण कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। सर एदे विच बेसिकली जेड़े मतलब लोग ने ओ अपनी मतलब कंस्ट्रक्ट करदे ने अपनी मतलब नॉलेज जो भी ओ जिवें फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च की गल कर लें कि रिसर्च और मतलब टॉपिक नू सर्च करते हैं तो अपने व्यू पॉइंट्स मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट जी रियलिटी है वो तो उन्होंने एक्सपीरियंसिस बेस्ड होंगी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग ये कहती है कि बच्चे की लॉजिकल ते कंसेप्चुअल ग्रोथ बच्चे की होनी चाहिए है, ठीक है, बच्चे की कंसेप्चुअल ते लॉजिकल ग्रोथ होनी चाहिए है, बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट करे कुछ पॉजिटिव कुछ देखे उस दे विच नवा, और इस चीज़ दे लई जिहड़ा टीचर है वह एक फैसिलिटेटर हुंदा है, टीचर ने हेल्प करनी है बच्चे की, टीचर ने फैसिलिटेट करना है बच्चे नू ताकि जिहड़ा बच्चा है वह किसी कंसैप्ट नू आप समझ के उसनू डिवेलप करे। जिमें बच्चे ने दसिया कि रिसर्च की गल है तो रिसर्च के आता है कि जो तक तुसी उस कंसैप्ट नू अच्छी तरह नहीं समझिया अच्छी तरह नहीं पढ़िया तुसी उस कंसैप्ट नू कंस्ट्रक्टिवली अपने शब्दों के नहीं लिख सकते, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह समझ के उसनू अपने शब्दों के लिखना है, कुछ नवा आइडिया कुछ नवा कंसैप्ट जिहड़ा है वह तुसी जनरेट करना है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग।
नेक्स्ट है लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच, एक बहुत इम्पोर्टेंट अप्रोच है, ये कौन कराएगा? वनिता, लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच ये लास्ट पॉइंट है आज का, लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच, शाबाश। इसमें तो सर लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच, सर लोकल ये हो जाता कि जो लोकल प्रॉब्लम्स अपनी हैगियां उन्होंने मतलब देखना, ते प्लस ग्लोबल बेस पे भी जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने भी मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है, ते उसके आधार पर मतलब लर्निंग करना और दूसरों को मतलब ये स्टूडेंट को हम समझा सकते हैं जो सोशल प्रॉब्लम आजकल चल रही है ग्लोबल बेस पे भी चल रही है। देखो इस दे विच ये आएगा कि लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच है, जदों आपां ने बच्चे नूं पढ़ाना है ता उसनों सब तो पहला ता जिहड़ी प्रॉब्लम है उसनों लोकल लेवल ते दसना भी क्या प्रॉब्लम है। देखो दो तरीके ने, है ना, या तो उसनों लोकल लेवल ते पहला दसो भी क्या प्रॉब्लम है और फिर उसनों ग्लोबल लेवल ते लै जाओ भी ग्लोबली उहदा क्या असर पएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, प्रॉब्लम नूं ग्लोबल तो लोकल तक लियाओ कि प्रॉब्लम तो ग्लोबल हो रही है, ये चीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मान लो, लेकिन उसका जो असर है वो साड़ी लोकैलिटी साड़ी कम्युनिटी दे विच भी पड़ेगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं, लोकल टू ग्लोबल एंड ग्लोबल टू लोकल, जिस तरह मर्जी है तुसीं उस अप्रोच नूं लगाया जा सकता है। और इन्हां कंसैप्ट्स नूं लोकल और ग्लोबल प्रॉब्लम्स नूं आप अपने करिकुलम दे विच भी इनकलूड कर सकते हैं। करिकुलम मॉडिफिकेशन की गल भी अपने करी सी ना पहले करे, ठीक है, करिकुलम दे विच अपन नूं इनकलूड कर सकते हैं। तो बच्चे ये सीगियां कुछ अप्रोचेस, 10-12 अपने अप्रोचेस कर लिया है। इस तो बाद अपन नेक्स्ट हूँ कल ही करांगे स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी बड़ी आसान है, तुम इन्हों पढ़ के रखियो, ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो, लोकल एंड ग्लोबल। हाँ, लोकल एंड ग्लोबल जिहड़ा है इस दे विच अपन ने करिया है कि जिन्हियां भी प्रॉब्लम्स ने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे नाल रिलेटेड वो आपां बच्चे नूं पहला लोकल लेवल ते दस सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका ग्लोबल लेवल ते असर दस सकते हैं भी क्या पड़ेगा। और दूसरी अप्रोच क्या सीगी कि बच्चे नूं पहला ग्लोबल लेवल ते प्रॉब्लम नूं दसो और फिर बच्चे नूं उस प्रॉब्लम नूं लोकल लेवल ते लियाओ कि ग्लोबल लेवल ते प्रॉब्लम है उसका ये लोकल लेवल ते क्या असर पड़ेगा। और लोकल एंड ग्लोबल दोनों तरह दीआं जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने असी अपने करिकुलम दे विच भी ऐड कर सकते हैं। ये हैगा साड़ी अप्रोच सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे लई, लोकल एंड ग्लोबल दोनों तरह के लैवल ते ही बच्चे नूं दसना है, क्योंकि देखो जदों तक बच्चे नूं ये महसूस नहीं होएगा कि ये प्रॉब्लम उस दे नाल भी रिलेटेड है उदों तक बच्चा उस दे लई काम नहीं करेगा, ठीक है। बच्चे नूं ये समझना जरूरी है कि जो प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल ते आ रही है उसका कितना कितने असर जिहड़ा है वह साडे लोकल लेवल ते भी पएगा। बच्चा ता ही उस प्रॉब्लम नूं हल करन दे लई उसनूं ठीक करन दे लई कोई ना कोई स्टैप लैंदा है। बच्चे आया समझ? हाँ जी सर। हाँ चलो बस आज इन्नी करांगे, बाकी फिर करांगे।